ആൺ കുങ്കുട്ടി പണോ क्या हुआ रजिया? सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ हसीना, वो हो ना हो बच्चों की ही कोई शरारत है। तुम तो जानती हो आजकल के ये बच्चे। अयान बेटा, वो मेरा कुंगूठी बनाओ। अच्छा, हमें नहीं मालूम था कि निखत भी काफी शरारती हैं। निखत, क्या बात है? तुम कुछ कहना चाहती हो? चल के बात कर सकते हैं। इस तरह से सगाई की रस्म छोड़ के जाना ठीक नहीं है बेटा। सब अपने ही लोग हैं। आपको जो कहना है बोलिए। निखत, अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो कह दो। जी, कहना सुनना तो सगाई के बाद भी होता रहेगा। अब निखत बेटा, बेटा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पीछे हटो। क्या हुआ निखत? अब बेखौफ होके कहिए, हमें किसी का डर नहीं है यहाँ पे। मेरा अंदाजा सही निकला। हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी जरूर है, नहीं तो इतनी हड़बड़ी में रातों रात सगाई। हाँ अम्मी, क्या बदतमीजी है निखत, इस तरह से सारे लोगों के सामने खानदान की बेइज्जती करने का क्या मतलब है? मैं साबित कर सकती हूँ कि आयान और भूमेरा के बीच कुछ नहीं हुआ। ये तो कहानी और भी दिलचस्प हो गई। अरे हसीना, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्ची है इसीलिए इस तरह की बातें कर रही है, और आज तो खासतौर पे कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई है। निखत बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आओ अंदर आओ मेरे साथ। नहीं मुमानी, मेरी तबीयत ठीक है। ये रहा वो वीडियो जिसे साफ पता चलता है कि आयान भाईजान और हुमेरा के बीच में कुछ नहीं हुआ था। देखा, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम आओ मेरे साथ। मुमानी, मेरे Thank you.
हैं अब। ये फोन अलग रखिए और सगाई की रस्म पूरी करवाइए। बिल्कुल सही कह रही है। अयान और हुमैरा के बीच तो कुछ हुआ ही नहीं था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे बच्चे पाकदामन हैं। ये जानकर आप खुश नहीं हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सब लोगों के सामने इस तरह से तमाशा करने की क्या जरूरत है। वैसे भी इसका सगाई से क्या लेना देना? लेना देना है भाभी। लेना देना है। अब हमें कोई जरूरत नहीं कि हम अपने बच्चों को इस जबरदस्ती के रिश्ते में धकेलें। क्या कह रहे हैं आप? क्या मजाक है ये? मजाक तो वो था जो तुम कर रही थी। ये कड़वा सच है। ये सगाई नहीं होगी। मिस्टर खान, मंगलपुर में आपने मेरी जान बचाई थी, उसके लिए मैंने आपको थैंक यू तो बोल दिया, पर मैं सॉरी नहीं बोल पाई, तो मैं सॉरी बोलने आई हूँ। आई एम रियली सॉरी मिस्टर खान। किस बात के लिए? हर बात के लिए, जैसी मैं हूँ वैसी होने के लिए, और आपको परेशान करने के लिए, आपकी जिंदगी में मुसीबत बन के आने के लिए, हर बात के लिए सॉरी। एंड मिस्टर खान, आप मेरे बिना आराम से 3 दिन बिताना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं मंगलपुर में भी आ गई, उसके लिए भी सॉरी। मिस्टर खान, मेरी वजह से आपको बहुत चोट भी पहुंची है ना, उसके लिए भी सॉरी। मिस्टर खान, और मैंने ऑनलाइन चेक करके ये पेस्ट बनाया है, इट्स अ होममेड पेस्ट। आई होप इससे मेरी गलतियों का एहसास थोड़ा सा कम हो जाएगा। एटलीस्ट आपके हाथ का जख्म तो हील हो ही सकता है। अरे ये तो एक्चुअली जेड लग रहा है। आपसे किसने कहा मुझे आपके इस पेस्ट की जरूरत है? आप प्लीज मुझसे दूर रहिए। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर खान? मुझे लगा था कि मंगलपुर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद एटलीस्ट हम एक दूसरे से तमीज से पेश आएंगे, पर आपके साथ तो डील करना इम्पॉसिबल है। यू आर द सेम। मैं खुद को क्यों बदलूंगा? आप क्यों बदलेंगे? आपको तो लगता है कि आप परफेक्ट हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं,
आप जैसे लोगों की रिजिड थिंकिंग की वजह से ना दुनिया में हर प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट आप में और मरियम के अब्बू में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप मुझे उनसे कंपेयर कर रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो भी औरतों पर ऐसे अपने व्यूज इम्पोज करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि उनके साथ कोई आर्ग्यू ना करे। और आप भी देखिए मिस्टर खान, आप एक मेल शोविनिस्ट हैं जो कि पुराने ख्यालों में और पुराने रिवाजों में जकड़े हुए इंसान। मिस फारूकी, यस, आप हमेशा मुझसे रूट बोलते हैं। मेरा बाहर जाना आपको बुरा लगता है, मेरे कपड़ों से आपको प्रॉब्लम है। आप उन इंसानों में से हैं जिन्हें लड़कियों की आजादी से हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। और आप उन लोगों में से जो किसी की तहजीब, किसी के कल्चर जाने बगैर उनके बारे में राय बना लेती है। जी, और आपको लगता है आप बहुत मॉडर्न है, लेकिन आपकी मॉडर्न की डेफिनेशन आपके लिबास तक ही है। असल में आप निहायत ही जजमेंटल लड़की। देखिए मिस्टर खान, मॉडर्न होना किसे कहते हैं, मैं इस बात पर अब भी आपसे डिबेट कर सकती हूँ। मेरे पास आपके लिए एक एडवाइस, जिस बारे में आपको समझ नहीं है उससे दूरी रहें तो बेहतर हो। हाँ हाँ, आप तो ऐसा कहेंगे ही, क्योंकि आप ये टॉलरेट ही नहीं कर सकते कि कोई भी आपके सामने अपनी जुबान खोले। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे आप खामोश नहीं करवा सकते। तो आप चिल्लाते रहिए, मैं जा रहा हूँ। हाँ जाइए, प्लीज आप चले जाइए, ओके, और इस घर से बहुत दूर चले जाइए आप। शायद आप भूल रही हैं, जिस घर से आप मुझे दूर जाने के लिए कह रही हैं वो मेरा घर, और आप यहाँ मेहमान। मुझे ये याद है, ओके? लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि मेहमानों के साथ कैसे पेश आया जाता है। डोंट वरी मिस्टर खान, मैंने आपसे कहा ना, मैं जल्दी चली जाऊंगी। पता नहीं वो दिन कब आएगा। आपका बस चले तो आप इसे अपना परमानेंट एड्रेस बना लें, और अपने नाम का एक नेम प्लेट बाहर लटका कहें कि ये मेरा है। देखिए मिस्टर खान, कम से कम मुझे इतनी अकल तो है कि मैं अपनी चीज पे अपना नाम लिखूंगी, ओके? आपकी तरह न्यू मैं जो अपने हाथ में मेरा नाम लिख के घूम रहे हो। I mean, मैंने आपसे कहा ना कि मैं चली जाऊंगी, तो मैं चली जाऊंगी। और जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना, हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से दूर रहें, ओके? सही कहा आपने, मुसीबत से दूर ही रहना चाहिए। कल तक जो लोग हमारे सामने अदब से सर झुकाया करते थे, आज वही लोग हम पर हंस रहे हैं। गफूर अहमद सिद्दीकी का खानदान आज दुनिया के लिए मजाक बनकर रह गया है। निखत, क्यों किया तुमने ऐसा? महमूद, मैंने सिद्दीकी साहब, इस तमाशे की असली वजह निखत नहीं है, उसने तो सिर्फ सच्चाई बताई है। असल में ये सारा खेल आपकी बेगम रजिया का रचा हुआ है। या अल्लाह, ये क्या कह रही हैं आप बड़ी भी? इससे तो अच्छा होता कि आप मेरे कानों में पिघला हुआ सीसा डाल देती, कम से कम मैं ये सुनने से तो बच जाती। किया अपने बच्चे और अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया। तुम उसकी इज्जत बचाना चाहती थी, खुद उसकी इज्जत उछालकर, उसे फंसाकर, खुद उसके बारे में एक शर्मनाक कहानी बनाकर, एक माँ होकर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? कैसी बातें कर रही हैं आप? एक मिनट रजिया, एक मिनट। बड़ी भी, साफ साफ कहिए आप कहना क्या चाहती हैं? हम नहीं जानते रजिया क्यों अयान का निकाह हुमेरा से करवाना चाहती है। इसने खुद अपनी बेटी के बारे में ये बात फैलाई है, और ये नहीं चाहती थी कि हम इस सगाई में रहे, इसलिए इसने हमें उस पुराने गोदाम में बंद कर दिया था। कम ऑन जीजू,
आप तो मुझे ऐसे डांट रहे हो जैसे मैंने अपना आईपैड, अपना सेलफोन और अपने एटीएम कार्ड जानबूझकर खोए हों। यस, मैंने कंप्लेन कर दी है और वो कह रहे थे कि 3-4 दिनों में रिप्लेसमेंट कार्ड आ जाएंगे। बाकी आई डोंट नो। यस आई डिड दैट। यस, उसके बाद मैं अपना सेलफोन ले लूंगी, डोंट वरी। Yeah, same here, Jiju. I miss you guys a lot. Okay, Allah Hafiz. Thank you. Najma, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। तुम भूपी को बोल देना प्लीज। लेकिन इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मैं टाइम पे लौट आऊंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना, आपके पास फोन भी नहीं है। एक काम कीजिए, मेरा फोन ले जाइए। डोंट वरी नजमा, मैं टाइम पे आ जाऊंगी, बस तुम फूफी को बता देना। ओके, बाय। बाय, टेक केयर। हाँ, यू टू। भाईजान, आपको कुछ चाहिए? नहीं, नहीं। या खुदा, आप होश में तो है बड़ी बी? आप मुझ पर ये इल्जाम लगा रही है कि मैंने अपनी बेटी को और अयान को अब हम तुम्हारे इस आंसुओं में नहीं फंसने वाले। बहुत सालों से हम तुम्हारी इस चालबाजी को बड़े खामोशी से देखते आए हैं, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब सवाल हमारे पोते की खुशी का है। अच्छा हुआ सारी सच्चाई सामने आ गई, वरना तो आज सगाई, दो रोज बाद निकाह। अरे तुम्हारा बस चलता ना तो तुम इन दोनों मासूम बच्चों की जिंदगी को एक साथ बांध कर रख देती। बड़ी भी, माना कि अल्लाह की फजल से बच्चे पाक दामन हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की, लेकिन आपको इस रिश्ते से एतराज क्यों है? इस निकाह के लिए तो सबकी रजामंदी थी। सिर्फ उन दोनों बच्चों की नहीं थी, जिनकी जिंदगी का ये फैसला है। आप हद पार कर रही हैं बड़ी भी। हमारी बेटी अयान के ना कहने पर अपनी जान देने के लिए तैयार थी, और आप ये कहती है कि वो निकाह ही नहीं करना चाहती। जी हाँ, उसने इसलिए ही ऐसा किया क्योंकि वो अपनी अम्मी की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकी। क्या मैंने ऐसी हरकत की जिसकी वजह से मेरी बेटी खुदकुशी करने निकल पड़ी? अरे भाई, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, अयान ने इनकार किया जिसकी वजह से हुमैरा बिल्कुल टूट गई थी, इसीलिए उसने इस तरह का कदम उठाया। भाभी, क्यों ना हुमैरा से ही पूछ ले, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हुमैरा बेटा, बोलो, क्या तुम अयान से निकाह करना चाहती हो? कह रही हूँ ना, तुम खामोशी से बस वही करती रहो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। अगर हम अपने सर से ये घटिया इल्जाम हटा नहीं सकते तो कम से कम हम घर वालों को अपना फैसला तो जरूर सुना सकते हैं। हम उन सब से कहते हैं, हुमैरा, हम एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते।